पंडित जी तनिया अपन गमछा दीना शरम पर पर्दा डाले के बा शुक्रिया कमल के फूलवा गलगुल गुलवा लागे उठरा सगुलवा हो
सर, हमारे चैनल के दर्शकों के लिए एक इंटरव्यू हो जाए। हाँ, तो मिस्टर राम हिंदुस्तानी, आखिरकार आपको आपकी जानकी मिल ही गई। सॉरी, ये जानकी ना तो मंत्री वसीर अहमद के प्यारी दुलारी बहन जानसी। जानसी है। चमत्कार, नमस्कार। अरे मेरी तरफ कैमरा नहीं, इस पवित्र आत्मा की तरफ फोकस करो। तो आप देख रहे हैं कि मंत्री जी की बहन राम नाम का गमछा ओढ़कर दुनिया को ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरह ईश्वर और अल्लाह एक हैं, उसी तरह हिंदू और मुस्लिम एक हैं। राम, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐ धर्म के ठेकेदारों, इंसानियत को रौंदने का छोड़ दो जिद। जब ईश्वर अल्लाह एक है तो दो कैसे हो सकते हैं मंदिर और मस्जिद? वाह वाह, वेरी नाइस। नमस्कार। आई समय का तकाजा ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द आने वाला नया जनरेशन मजहब की छाती पर इंसानियत का झंडा लहरा देगा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ। माता रानी की जय। मैं मेराम, तुम मेराम, हम सब में बस राम ही राम।
राम से ही है, ये जग सारा राम बिना क्या किसका काम। जय श्री राम। जनाब बशीर साहब, आप हमारी कौम की शान हैं। हमारी सारी बिरादरी की नजरें आप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सल्तनत इस समय आपके हाथों में है। लेकिन आपको वो वादा याद रखना चाहिए जो आपने चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए अपनी बिरादरी से किया था। इंशाल्लाह, तसल्ली रखिए, बिरादरी का अरमान बहुत जल्द पूरा होगा। आमीन। आमीन। लाहौल विला कुवत। बशीर साहब और आपकी लाडली बहन अपने बदन पर राम नामी पहनकर घूम रही है। झांसी, झांसी, भगवान से दुश्मनी करके कौन सी दुनिया बसाओगे? बहन को बेआबरू करोगे, जहन्नुम से भी भगा दिए जाओगे। ए, तू के बड़े रे? आपके आंखों को खुदा ने वो नूर नहीं दिया है, मुझे क्या पहचानोगे? आपको तो मजहब ने मगरूर किया है। के बारे तो हिंदू या मुसलमान? हिंदुस्तानी, राम हिंदुस्तानी। हमरो घर के इज्जत के दुनिया के बुरी नजर से पर्दा डाल के लेनी, और वगैर के इशारा पर बेपर्दा कर देनी। बिरादरी के बिरहम मोहब्बत रव जिंदगी के वीरान कर सके ले। नेताजी हिदायत मत दे। भाईजान, या अपन जान के बाजी लगा के गुंडन से हमारी इज्जत की हिफाजत के ले बाड़े। झांसी, शाबाश बरखुरदार, बहुत बड़ा एहसान कहले तू हमरा पे। हाँ, हमरा जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कहले, शाबाश। शकीला इनाम दा बबुआ के। रह दी नेताजी, शुक्रिया। बेईमान अपन ईमान बेचेला। चला तानी। जय श्री राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे राम, चाय तो पी के जा। केहू प्यार से कह दे तो हम जहर तक भी पी ली, और आपके हाथ के चाय तो अमृत हुई, लेकिन अमृत पिए के ही समय मुनासिब नहीं खे। आपके दावते चाय हमके कबूल बा, लेकिन समय हम तय कर। बहुत अकड़ भाई लड़का में। कुरैशी साहब, गरम खून अकड़ता हो भाई करी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री बशीर अहमद की बहन पर कातिलाना हमला। आप लोग देख रहे हैं, मंत्री बशीर अहमद की बहन ने ओढ़ा राम नामी गमछा। चमत्कार हो गए स्वामी जी, मंत्री बशीर के बहिन राम नामी गमछा ओढ़ ले बिया। जय श्री राम। हेलो मंत्री, टेलीविजन ऑन कर, समाचार देख, तारा दाढ़ी में तिनका नजर आई। राम, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐ धर्म के ठेकेदारों, इंसानियत को रौंदने का छोड़ दो जीत, तो दो कैसे हो सकते हैं मंदिर और मस्जिद? मैं मेरा, तुम मेरा, हम सब में बस राम ही राम।
राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या किसका काम। स्वामी अफजल, अफजल जी भाईजान, देख इसे पहले कि हमारा कुर्सी में बिरादरी का कीचड़ उछले, जितना जल्दी हो सके ये न्यूज के टेलीकास्ट रुकवाओ। बहुत अच्छा। और ये वीडियो जो ले वो रिपोर्टर के लेके आओ, जवनी वीडियो बनौ ले लेके आओ सामने ओकरा के, जितना जल्दी हो सके टेलीकास्ट रुकवाओ। ला ला भाग प्यारे भाग 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 रितु भाग, ना तो पसीना हम क्या की हम इसे मार डाले। चल हेने ले हेने ले अरे हेने लाख में जल्दी आओ जल्दी। अभी तक ले हम मीडिया के डर से नेता के भागल देखले रहनी है, आज पहली बार नेता के डर से मीडिया भागा था। कुछ सीरियस मैटर बा का? राम हम लोगों को बचा लो, नेताजी के खून निकलने वाले डॉक्टर हम लोगों के पीछे पड़े हैं। हाँ राम, वो जानसिन के साथ तुम्हार बाइक वाला वीडियो देख के नेताजी के आंख में सुअर के बाल आ गए बा। चिंता मत करा लो, अब देखा लो ये बाल के बच्चा सन के हम केंगा ढांचा बिगाड़ा था नहीं। ए! ये दोनों नेताजी का बकरा हवन सन, एकनी के कुर्बानी चढ़े से ते ना बचा सकेले। चल हट, सामने से हट जो, ना तो एकनी के साथ साथ तोरो कुर्बानी चढ़ा दे। हम नेताजी के बकरीद के खोसी ना है जो हमारे बलि चढ़ा दी है। मीडिया के बात कलम से हो सकला, लेकिन हमार बात बात से ना लात से होला। रे जाके हलाल का देख रखे। बात बा लोग बुरा बा, लेकिन दुनिया बहुत खूबसूरत बा भाईजान। हम दुनिया देखल चाहता नहीं, अब डर डर के नहीं कीजिए के चाहत। पकड़ कबूतर के गोली मार दे, सारा सारा डर निकल जाए। चल गोली मार कबूतर के। भाईजान कब एक उसर के मारे वाला ही बहादुर होला। कबूतर के गोली मार, हम कहनी गोली मार तो गोली मार कबूतर के, निकल जा जा मार गोली। हाँ ओके मार सीधा, ट्रिगर दबाओ मार गोली, चलाओ गोली। हाँ हाँ बीच में हाँ हाँ भाई ना ठीक, तोरा किस्मत में डर के ही जिये लिखल बा, डर की जी। हम अपन किस्मत बदलब भाईजान, ये बेजुबा परिंदा के हम काहे ला मारे, हम ओकरा के मारब जे हमके मारल चाहता।
का हो चेहरा नूरानी, अचानक से कैसे बन गई चंबल के रानी? आखिर है हमार गुनाह का वजह तू है हमारा माथा पर पिस्टल भिरवले बड़ू। हमार नींद उड़ा के तू चैन से सोतल बाड़। जब से तू हमार बदन छूले बाड़, नस नस में आग लग गई बा। हाँ तब फ्रिज के पानी पी ले तू, ठंडा जाए तू। पिए नहीं हाँ तब वो ना ठंडा है। तब बर्फ के स्लिप पूरा बॉडी रगड़ देला। गुना तू कैले बाड़, सजा तोहके ही भुगते के पड़ी। बुता द आग ना तो देहब दाग। का हो भाई लोग बुता दी? ई ताजा कबल बबुआ काहे चला तरह? न, न, कुछ न भाई, तनी सपना देखत रहनी है। ई सपना हमेशा इंसान के परेशान करला बबुआ। ई सपना अपना देखल छोड़ा और कुछ काम धाम पे ध्यान लगावा। माई काम तो हम ऐसा करब कि ई दुनिया देखी। तो वो खाती ना बबुआ, सपना सूत के ना जाग के देखल जाला। समय जरूर बदल गई बा, बाकी हालात आज भी उहे बा। अपना बाबूजी के कुर्बानी जाए मत जाए दिया बबुआ। आगे हिंदू मोहल्ला बा, एक काम कर जुबेदा, अपन बुरका निकालता चल। या अल्लाह माफ कर। संभाल संभाल के जुबेदा। जुबेदा हम तोरो के कुछ ना होके थे, एगो वादा करा हमरा से, हम रही चाहे ना रही हर हाल में तू हमनी के औलाद के जन्म देबू। रो चिंता मत करी, हमनी के औलाद के नसीब में अगर जिंदगी मुकर्रर होई ना तो एकर के उबाल भी बाका नहीं कर सकत। चल चल आराम से। जुबैदा हमरा के पूरा विश्वास बा कि हमनी के बेटा हुई, तू ओकरा के ना हिंदू बनैया और ना मुसलमान, ओकरा के हिंदुस्तानी बनैया। ऐसा हिंदुस्तानी जे साबित करके रख दे कि हिंदुस्तान के असली मजहब मोहब्बत पा, सिर्फ मोहब्बत। चल सब के सुपार हो जाए फिर कोई खतरा देखे। चल ए अरे सुना हमने के नदी पार नहीं, नहीं। दंगाई लोग पीछे आ रहा है। हटा पीछे हटा। चल बेटा नहीं चल पीछे हटा। ते चिंता मत कर माई, हम समय के साथ ही चलता नहीं। हमार लड़का इसमें तो चीटी है, चीटी इसी को न्यूज बनाएगा। अरे प्यारे हाँ बना दो न्यूज। अरे हिंदुस्तानी तू ले जी क्या करता रहा? अरे बस ऐसा ही न्यूज खोजे खातिर घूम रहल बानी। अच्छा। सकल से तो लागत तक कि तू रात भर सुतले नहीं खे, का बात बा? अरे यार रात के एगो सपना हमारा दिमाग के फ्यूज उड़ा देले बा, बड़ा कंफ्यूज बानी। का? हाँ। प्यार में अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाला, यही से तो प्यार में बड़ा बड़ा न्यूज हो जाला। हाँ। लागत मंत्री जी के बहिन तोरा दिल के पेटी में पैक हो गई बाड़ी। तोहरा खातिर उनकर दिल में का विचार बा? बोला बोला। अरे यार ओकरा दिल के बात हम विचार में कैसे लेके आई? मतलब
मतलब ई कि रहे रात के सनाटा, दिमाग पर भिरा दलस कांटा, कहलस करे के रोमांस, हम हो मारे लगुई चांस। ओ, आगे का भइल? आगे का होई, गोली मार के चल गई। बेटा, यह तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बा। समय के इशारा को समझो। हाँ। लव के चैप्टर को यही क्लोज कर दो, वरना मजनू के लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे नीचे लिखा जाएगा। नीचे? हाँ। अगर हम ऊपर लिख दी तब? हाँ? अरे तीन को कड़क चाय लेके आवा। हाँ? ये तो खुद कंफ्यूज हुआ, हमनियों के भी कंफ्यूज कर दी। हाँ? इका, तितली पकड़े के कोशिश करता का? राम? ए? का भइल राम? अब तो हम अपना जाने के हाथ से कड़ा चाय पी अब। अच्छा? पक्का? अरे रुका रुका, चाय तो पी के। अरे रुका रुका, अरे राम चाय तो पी के जा। तो बता दिया। प्रणाम नेताजी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। आवा आवा, आज कौन जंग फतह करके आयल बाड़ा? जहां जज्बात जुड़ जला वहां हर जंग खामोश हो जला नेताजी, और आज तो हम पूरा मुहूर्त निकाल के चाय पी खतेल बनी भाभी जान। अरे हाँ हाँ, अभी मंगावता नहीं। रेशमा, राम बाबू वाला चाय लेके आवा। बैठ जा। बशीर अहमद के घर का कुर्सी बहुत कम लोगन के नसीब होला। एकर मतलब हमार नसीब रुआ से तेज बा। जानसी, तू काय चाय ले लू? रेशमा कहाँ भी है? रायदा मोतरमा, ये चाय पर से हमार हक तुहार भाईजन छीन ले ले बनी। मेहमान नवाजी खाती शुक्रिया भाभी जान। चला तानी, जय श्री राम। अरे राम रुका तो सही। बड़ा खुश होके गई लुआ आपका भाईल। ओ तो ना पीलस, हम ही पी लेता नहीं। अरे ये पर्ची कैसे न? ए में तो मोबाइल नंबर बा। हम जाना था नी राम बाबू तहार नींद तबाह कैले बाड़न, फोन करके बतियाला तबाही की रफ्तार कम हो जाए। पहले तू अपन जबान के रफ्तार कम करो। और हम काहेला केहू के फोन करी? ओहो, दिल गरमाइल बा, जबान सरमाइल बा। नो प्रॉब्लम, हम ही चांस मार लेता नी। हेलो जानसीन। बहुत बेरहम बाड़ा तू। तू तो बहुत कातिल बाड़ू। कतल तो हमार दिल के भइल बा। और छटपटा तो हम बानी। हाय अल्लाह, सच में हमार जान निकल जाए। अपने जान के हाथ गोड़ छान के रखा है बेबी रेशमा। अब बहुत टाइम पास हो गई, अब दा जल्दी से हमारे जान के फोन। आवाज से पहचान गई ला? तुहार दीवानगी बड़ा खतरनाक बा। तुहरा आगे मोहब्बत के सिवा केहू और ना टिक पाई। तोहफा कबूल कर, एगो प्यार से हाई वोल्टेज चुम्मा देता नी। ए! ओ, रेशमा बोलत रही हो। हमके पता बा, हमरा से बिना बतीले तो के चैन ना मिली ना। इतना भरोसा? तोहरे आँख में अपने चाहत के चेहरा देख ले बनी। जानशी? जी भाभी जान। अरे रेशमा, तू ये जबाड़ू? खाना खायला बुलावे वेनी है। हाँ। तनी जाके अजमल के गरम पानी दे दा, उचूरन खाई। ठीक बा। का भइल? कुछ ना भाभी जान, पीठ में खुजली होता। देखी ना ना भाभी जान, रेशमा सर आ गई। हाँ। तो
जा ना भाभी जा। माने यही बड़ा स्विच ऑफ होके कर ला, बैटरी ने खेका रे। गुड मॉर्निंग भाईजान। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। का भाई? का भाई? कुछ ना। तबीयत ठीक ना का? ना ना। हाँ वो रात में ढेर बिरयानी खा लेनी ना, ऐसे पेट में गुड़गुड़ होता। अच्छा अच्छा। भैया हम थोड़ी देर में आवता नहीं। गुड़गुड़ पेट में होता, आवाज यहाँ से आवता? बच गई नहीं जान। जी भाभी जान। चुरन खाला, हाजमा ठीक हो जाए। आप कहाँ भैल? कुछ ना गुड़गुड़ ना खुजली, खुजली होता रात में, बतौले रही ना। नहा ले ठीक हो जाए भाभी, हम नहाए ना जाए। कबो खुजली होता कबो गुड़गुड़ होता, हाय अल्लाह ये कौन बीमारी है? हेलो, इतना पागलपन ठीक नहीं खे। ये पागलपन के वजह तो तू ही पढ़ू ना। तुहार नाम लेके रात भर जो निकलने बनी हम, अब तो वही तबे लगी जब तोरा से नैनाचार हुई। काल मिले खाती आज ही अजान। अच्छा तो एगो काम करी हो, अपन क्रिया कर्म के इंतजाम करके इंतजार करी हो, कहे कि ई जान आवे वाली नहीं थी। हमार विश्वास आज लेकर वो टूटल नहीं खे, आजमावे के कोशिश मत करिया ना, तो हार जाइबू। और देखा हमारा पूरा विश्वास बा कि हमार जान निकले से पहले हमार जान हमारा लगे हाजिर हो जी। ठीक है चलो बाय बाय। ए, ए, देखा फोन मत कटिया। हाँ हाँ इंतजार करो। हजानी फो कटी हजानी फो नलो नले के कैले दानी हो, कटी हजानी फो नलो नले के कैले बानी हो। नींद तू ही दिलवा के चैन हो, बिना पतियावले मनवा रहेला बेचैन हो। कटी हजानी फोन ए कटी हजानी फोन नलो नले के कैले बानी हो,
कटी हजानी फोन लोन लेके कहिले बाली हो। जब आवाज तुहार कान में सुनाला तुम जानी साथी बानी ऐसन बुझाला। कटिया जानी फोन ए रानी कटिया जानी फोन लोन लेके कैले बानी हो। कटिया जानी फोन लोन लेके कैले बानी हो। बशीर मियां, हमरा के रउआ घरे बार बार आवे का शौक नहीं खे। जौन मकसद से हमनी के कौम रउआ के मंत्री के ओहदा दिएलस, वही मकसद रउआ भुला गई नहीं? ऐसन बात देखिए मौलाना साहब, हमरा के पूरा ध्यान बा। दिक्कत सिर्फ इतना बा मौलाना साहब की सियासत में एक एक कदम बड़ा सोच समझ के रखे के पड़ाला। एक गलती और खेल खत्म। अफजल जी, काबेलू चौधरी के ईटा का ऑर्डर दिया रहल था जनाब, कालीट भट्टा पर और चौधरी के साथ है मीटिंग बा। ठीक, से मिले खाती नहीं की आई ते का नमाज अदा करे आल बाड़ो। हमरा खाती तो तू ही हमर पूजा बाड़ो, तू ही मंत्र अश्लोक बाड़ो, तू ही कलमा आयत। हम तो तोहरा के ही ब्रासलेट दे भैल बनी। देत काहे नहीं खे? ऐसे ना दे, एगो चुम्मा दा। चुम्मा ना चाहिए हमरा के, रख अपना पास। हमरा के तू कम खत्म बुझा तारू गोबर का ने साई बुलाई तेरा भैया के साफ बगला हिल बाड़े का लागे तो तू ऐसे मानने वाली जीव नहीं खूब बाबू रोका दादा एगो चुमा हाँ कम बुला रहे हैं हम। देखा एगो आवरी चुमा दे दो, एगो आवरी टचिंग टचिंग। प्लीज अब तू जा यहाँ से, ढेर हो गई मजाक, चले जा। आज के बाद से थोड़ा सा कबो मिले खाती ना आई। चौधरी तू अगर हमार शागिर्द न रहत ते जमीन पे हमार पैर न पड़त। ये तो राहुल बड़प्पन बा मंत्री जी,
चौधरी, आजकल के कुत्ता बड़ा होशियार हो गए बाड़े रे, खाली सूंघ के हड्डी खाए पहुंच जाता रे सन। जय श्री राम। शेर हड्डी ना खाला चौधरी, तहार भट्ठा के पूरा ईंट हमरा चाहिए। इला इला बयाना। इतना ईटा करबा का है? पूरा खानदान के समाधि बनवाइबा का? खयाली पुलाव बहुत अच्छा पका लेवेले मंत्री। एक काम कर, बावर्ची के दुकान खोल ले, तुहार दुकान भी खूब चली और उम्र भी बढ़ जाई तुहार। चौधरी जी, स्वामी जी, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, हर एक ईंट पर। स्वामी सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा, सद्बुद्धि दे तुझको राम। जय श्री राम। कुछ भी कहो यार, ओकर मुस्कान हमर जान ले ले लेबा। ए भाई, का भइल हो? सपना तोर लोग के आवेला? एकर मतलब हमर तबीयत तनी ठीक ठाक बा। ठीक है भाई। का लगत? लागता इनका के मोहब्बत हो गइल बा। बर्बाद कर देती है मोहब्बत मोहब्बत करने वालों को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। ई मोहब्बत में बड़ा रिस्क बा बेटा। बिना रिस्क के इश्क ना होला प्यारे। अभी देखे के बा कि हमार जान कतना रिस्क ले तारी। देख लाला सा, हमरा मोहब्बत के नेटवर्क कतना फास्ट बा। एक बार याद का कोई नहीं। हमारा दिल के घंटी क्रिंग क्रिंग बाजे लागल। जान ये तो सिग्नल चेक कैला के बाद पता चली। राम ना, हम तो उनकर होखे वाली सीता बोलतानी। सीता? माय नेम इज सीता। रिश्ता तय हो गई? अरे भग चुनरे बाड़ू का हो जानत देखो। राम और सीता के जोड़ी त जन्मो जन्म से बा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। हाँ समझ गई नी, तू सीता ना सुरपनखा हो और तू हमार होखे वाली सौतन। रे सुरपनखा मुंह बंद रख। लक्ष्मण जी नाक काट ले रहल है, लेकिन हम तुहार जीभ काट ले। और हाँ राम से कह दी हो कि काल हम उनकर इंतजार कर, ईद के चांद से पहले हम उनकर चेहरा देखल चाहता नहीं। और हाँ अगर उन ना आयलन तो हम तोहरा के जब्बा करके बकरा ईद मनाए। Thank you.
तोरी गोली तागी बावी कज भी कुड़ाई हमरा यार के सूरज के लाली न जाला फीका चमक पड़ जाला शीशा में देख लू अपन सूरतिया का कहीं उहो न जाला सोनिया धरती पबारू फिलल कुदरत के हर करिश्मा ये रानी तोहरे के मिलल ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक हो ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक तशरीफ आज तो हम जाना था नी तो राम बाबू के साथ सेवैया खाए के फूल मूड बना लू है ज्यादा मत बोलो चुपचाप खड़ी रहो ईद मुबारक हो राम ईद मुबारक हो नेताजी अरे आज के दिन तो दुश्मन भी अपना दुश्मन के गले लगा लेला ज्यादा दिमाग पर जोड़ मत दी ईद मुबारक हो भाभी जान ईद मुबारक हो राम आज तो तहरा के सेवैया खेले बिना ना जाए दे हम अरे सेवई तो हम खाइए ले लेकिन ईदी में हमके मिली का मांग ले जोन मांगे क्या काहे कि आज के दिन हम फकीर के भी अपना पैर के जूता तक दे देनी हमके जूता ना चाहिए हमारा पैर में जूता पहरावे वाली चाहिए और ए ईदी में हमरो बहिन जान के हाथ मांगा था नहीं आज जश्न के माहौल में तोर जनाजा निकली
हरीदी में बहन के बदला में तोरा के गोली देब। भाईजान, आपके हाथ में बंदूक देख के हमने के डरने की लागत। आपके बंदूक के गोली से भी खतरनाक हमार मोहब्बत बा। अरे पागल लड़की, ये काफिर हा, जात और बिरादरी का ख्याल रख। नेताजी, भाईजान, नेताजी आप खून का रंग बताई जे कौन हिंदू का और कौन मुसलमान के। अगर वो बता दे ना तो मोहब्बत के कसम जान से मोहब्बत कल छोड़ दे। भाईजान, खून नियन ईश्वर एक बा, इंसान एक बा, मजहब एक बा और हमनी की मोहब्बत एक बा। अभी दोनों जिस्म एक जान बन चुकल बा। रवई रिश्ता मंजूर होई चाहे घेवड़ा से ना होई, अब हमनी के जुदा खुदा भी ना कर पाई है। असीर मियां, राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। राम नाम का नारा है। बकवास करत अरे काजी साहब, मुसलमान अगर सबसे ज्यादा आजाद बात तो हिंदुस्तान में बा, और हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के भाषा मत बोली, ना तो दू का जमीन तक नसीब ना होई। स्वामी जी की जय। स्वामी जी, हमें बताइए कि स्वच्छता अभियान के पीछे आपका क्या मकसद है। जय श्री राम। तो देखा आपने, स्वामी जी ने कहा जय श्री राम, राम नाम का नारा है, स्वच्छता अभियान हमारा है। फोर्स बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन स्वामी जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ। महावीर। यस सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्वामी जी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे सर। हाँ सर, ठीक है सर। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं लोग। अब शगुन हो गए। किस दुष्ट पापी का मुर्गा है ये? कुकुड़ो को कहाँ बढ़त। अरे स्वामी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? ये तहार मुर्गा है। हाँ, ये कुकुड़ो को आपन का ही है। ये मुर्गा के पहले ये पापी के बलि चढ़ा दा। ए, लेकिन हमार गलती का बात, जो हमार बलि चढ़ावल चाहता नहीं। तो हर मुर्गा हमरा कंधा पर बैठ के हमरा पवित्र कहले बा, जकर जिम्मेदार तू बाड़े। ये तो बहुत बड़ा गलत बात बा स्वामी जी। आ? मुर्गा रा और देह छू धलस तर हुआ आप पवित्र हो गई नी, आ हमार बलि चढ़ा देब तो पवित्र हो जाई। मुर्गा पाल के तू बहुत बड़ा अपराध कहले बाड़े, और अपराधियन के सजा देहल कौन पाप नहीं खे। सुना था इंस्पेक्टर साहब, कानून तोड़ के यहाँ के जाता नहीं, अपराधी होगा नहीं हम। स्वामी जी, असल बात तो ही बा किरवा का हम अपराध करे से रोक लेनी। आज से हमार सबसे बड़ा दुश्मन तू बड़े, और याद रखिए हमार दुश्मन बहुत ज्यादा दिन जिंदा न रह ले। कुकड़ो को बेटा, कुकड़ो को स्वामी जी के टाटा बाई कर दो। जय श्री राम। भाईजान, राम सच में भगवान राम जैसन बाड़न, जे उनकर बात ना मानेला वहीं पर लात गिरावेले। स्वामी जी बच गएलन। हमहू बच जाएब जान से, लेकिन ऊ ना बची। ओकरा मौत का मंजर देख के तोर मोहब्बत दम तोड़ दी। अभी अभी तो जिंदगी से रिश्ता जुड़ल बा,
और अब तोड़े की धमकी देवे लगनी। लाहौल विला कुवत अरे इलेक्शन सर पे बा और हमार बहिन एक काफिर से सुनवा बतिया और अरे बिरादरी के लोगन से तू हमारा मुंह पे थकवाल चाहतिया हैं। शकीला समझाओ एकरा के समझावा और आज के बाद ही घर से बाहर ना निकल चाहिए और अगर निकल गई ना तो केहू ना बची। राम झांसिन खुदा रहम करे इतना रात के बहू बेटी के घर से बाहर ना निकले के चाहिए। जो ना घर में बेटी की खुशी दफना दिहल जाला वो घर ना कब्रगा बन जाला अम्मा जी और हम वो कब्रगा के हमेशा खातिर छोड़ के यहाँ आ गई नहीं। राम भाईजान हमने के मिलन कबो ना होके दिहल और हम तोरा से जुदा होके ना जी पाए हम कहीं मजहबी जहनम से कहीं दूर लेके चला राम कहीं दूर लेके चला। ना भागल हमर फितरत बा आ ना सर झुकावे की आदत कायरता के करीखा बहुत करिया होला जान लागेला मुंह पा लेकिन पूरा जीवन बदसूरत बना के रख देला। अगर हमरा साथे जिए के बना तो दिल और दिमाग दोनों मजबूत कला ए जहन्नुम के करेजा पर अपना मोहब्बत के जन्नत हम बनाई और कौनो मजहब के मुजाहिदीन एकरा के रोक ना पाई। तू लोग जौन आग में कूदे के कोशिश कर रहल बड़ा लोग पिछला 25 साल से हम आग में जल रहल बानी इतिहास अपना आप के दोहरा रहल बा। ए बेटा पति खो चुकल बानी अब तारा के खो के हम जिंदा ना रख सके बेटा ना ना। तू का चाहत रु मई कि अंजाम के डर से तोहर बेटा अपना फर्ज से मुंह मोड़ ले ना और बाबूजी के सपना अधूरा रह जा ना। हमू अपना बाबूजी के तरह समाज के सामना कर चाहे ओकर अंजाम कुछ भी होके। अरे चाय कहाँ भाई तोहके बता ना कि हम सुबह का पहला चाय हमेशा जानसी के यहाँ से पी ले तू कहे लेके आ गेलू कहाँ जानसी कहाँ घरे नहीं खे घर में नहीं खे कहाँ गई पता ना। एक मिनट कब से गई रात से। अरे ऐसे कैसे गई कैसे गायब गई कल रात से गायब और तू अभी बताओ तारू हमार बहन रात से गायब भी है और तू हम क्या बताओ तारू। अरे अरे ए करीम भजन पता लगाओ कहाँ हूँ अगर वो राम के साथ भी आता गोली मार दे राम के या लाश समझ में नहीं क्या होती ये बेवकूफ औरत अभी बताती है हमके। अरे जा खोज होकर के निकला यहाँ से अब जा जितना जल्दी हो सके पता लगावा चल। अरे अल्लाह ऐसे कैसे हो सकेला बशीर अहमद का बहन रात से ओ, ओ। बाबा बस इतने विनती बा जमीर के जरे जरे में इंसानियत की बहार आ जाए बिशक मैं कुर्बान हो जाऊं लेकिन सबका दिल एक दूजे के लिए मोहब्बत से गुलजार हो जाए। या अल्लाह रहम करना हमारी मोहब्बत पर अगर सलामत रहे तो फिर तेरे दर पे इबादत करने जरूर आएंगे।
आमीन। काबल जान, ये तो मंदिर है। इस मस्जिद रहे तो काम के अंदर ना जाते तू का। बात तो हार ना, हमार बा, हम औरत है। जान, औरत के मस्जिद में जाए से मना बा, मंदिर में ना। मंदिर में तो औरत के ही पूजा होला। आ जब तक ले हमरे जान में जान बा तो के मौत से भी डरे की जरूरत नहीं। चला जल्दी से गोली निकाल दो, ना तो शायद पूरा जहर शरीर में फैल जाए। जान, अब के चक्कर आओ था। लेकिन आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता नहीं। हमरा राम के कुछ ना होके के चाहिए, ना तम समझ जाए कि हिंदू के ईश्वर और मुसलमान के अल्लाह तारा अलग अलग बा। राम जान, राम राम, तारा के कुछ ना हो राम। Hey!
राम मंदिर अपना मौत खातिर बिल्कुल सही जगह चुन ले बा। अफजल खींच के ले आओ, चांसी के सामने टुकड़ा करब, तब जाके इश्क खुमार खत्म हुई। ए रुक, मैं मेराम, तुम मेराम, हम सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या तेरा काम, जय श्री राम। हम जाने तानी स्वामी, हमार दुश्मन अब तोर दुश्मन बन गए बा, हमार बहिन भीतर कैद बाणी और हमरा के सिर्फ हमार बहिन चाहिए, ओकरा बात तोरा दुश्मन के तोरा हवाले कर सकीले हम। जय श्री राम। मंत्री तू अपन इज्जत बचावे ही आइल बड़े, ऐसे तोहार बहिन तोरा हवाले कर दनी। जगत अफजल हिंदू महतारी मुसलमान, यह बराम हिंदुस्तानी के पहचान। बहुत खतरनाक मिलावट बा हमारे खून में, हमसे टकराए की कोशिश मत करिया सा, ना तो जिंदगी के बनावट बिगाड़ दे। मजहब नहीं मोहब्बत है, हमारी कोई जात नहीं और हमें रोकने की तुम्हारी औकात नहीं। ये हम का सुरतानी बसीर मिया, राउर बहन एको हिंदू लड़का के साथ भाग गई। भाग ना गिल कुरैशी साहब, वो हिंदू लड़का उकरा के अपना इश्क के जाल में फंसा लेलस। जाल में फंसा लेलस, ये जाल ना हमरे बिरादरी खातिर जी का जंजाल बा, और अपने आका के का जवाब दिया जाए? जौन अपने कौम की हर मुसीबत में मदद मुहैया करावेला, का जवाब देबा उनकरा के?
उनकरा के जवाब देवे से पहले हम अपना इज्जत पे लागल हर सवाल या निशान मिटा दे कुरैशी से। भाईजान, राम से उलझल आपके सियासी करियर खातिर खतरा हो सकेला। कौनो बीच के रास्ता निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा नहीं को रास्ता बा हमरे नजर में। आप बताई, हम हर कदम उठावे खातिर तैयार बने। देखी, राम एगो हिंदुस्तानी लड़का बा, मासूमन का चीख पुकार खून खराबा ओके बिल्कुल अच्छा न लगी। बस एगो बम के धमाका और पालतू कुत्ता के नियन दुम हिलावत राम आपके बहन के आपके दरवाजा पर छोड़ के चाहिए। भाईजान, मौका अच्छा बा, काले होली बाटे। अफजल जी भाईजान, काल होली में रंग गुलाल के जगह खून उड़ा के चाहिए। सची पका लगाई हम लगाई ते राजा तनी हमरो लगावल सही है। मुट तनी चढ़े त रंग तनी पड़े त लख तनी लाड़े त सारा रगा सारा रगा अरे सारा रगा। बनल मिजाज पिया दिल के आज पिया रफ्तार बढ़े त सारा रगा हा हा सारा रगा अरे सारा रगा। मस्ती के दिनवा लावे फगुनवा आ जाना लाज शरम छोड़ी के छोड़ी के छोड़ी के। हाँ हो
धमाके की पूरे देश में कड़ी निंदा की जा रही है। इस घटना के लिए स्वामी जी ने मंत्री बशीर अहमद को दोषी ठहराया है। विपक्षी पार्टी के नेता नारायण तिवारी का कहना है कि मंत्री बशीर अहमद की बहन किसी राम हिंदुस्तानी नामक लड़के के साथ फरार हो गई है। उसे घर वापस बुलाने के लिए मंत्री बशीर अहमद ने यह धमाका करवाया है। आइए जानते हैं मंत्री बशीर अहमद का क्या कहना है। हाँ, निकला था ये घर से। हाँ मंत्री जी, स्वामी जी और नारायण तिवारी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस जंगल में शेर रहते हैं वहाँ से गीदड़ अपने आप भाग जाते हैं, और रही बात मेरी बहन की तो वो भागी नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे गई है, जल्द वापस आ जाएगी। और ये जो सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं विरोधियों की चाल है हमारी सरकार को गिराने की, लेकिन हमारी सरकार बहुत मजबूत है। हर इल्जाम सरासर गलत है, सच एक दिन सामने आएगा। देश में कड़ी निंदा की जा रही है। अरे काबिल बबुआ, जान हम अपना मोहब्बत के इतिहास बेकसूर और बेगुनाह लोगन के खून से नहीं लिखल चाहत, ऐसे तो क्यों वापस अपना घर जाए के पड़ी। चल हम छोड़ दे। ठीक बा, हम चल जाए, लेकिन अकेले। काहे कि भाईजान थोड़ा के देखिए तो गोली मार दी है। जानसी, राम कोनो कायर के खून ना हुआन, तू ही घर में आए रलू हो अकेले, अब हमार बहू बने वाला बड़। राम जहीं तारा संगे तारा घरे पहुंचावे, होई है वही जे राम रची रखा। भाईजान, भाईजान, राम जानसी के लेके आ गए। भाईजान, भाईजान, हमार मजहब हमार कमजोरी है, ये तो जाने ले। बेमौत मरे वालन का चीख पुकार तोर कमजोरी बा, ये हम जान गए बाने। अच्छा कहले, अच्छा कहले ते हमरा बहन के लेके जा कहले, नहीं तो अगला धमाका तोरा घर में होइत और तोर चीथड़ा हमरा पैर के नीचे। चीथड़े की क्या बात करते हो, लहू का कतरा कतरा तक बहा देंगे। अगर खेलोगे खून की होली तब तुम्हारी बलि चढ़ाकर बकरा ईद मना लेंगे। बकवास बंद कर। अरे तोर लाश ना तो हिंदू जराई और ना मुसलमान दफनाई, कहे कि ते नाचायस बाड़े, नाचायस। ए, ते जायज होके क्या उखा ले बड़े रे, है? एक दूसरे के लड़ौले बड़े, एकता के तोड़ने बड़े। अरे सब चपड़ा ना जायज होला जे देश द्रोही होला। चांद से मार दे। हाँ, अब बोल, अब तू विद्रोही का मौक मर बे, चलाओ गोली। एक मिनट नेताजी, इतना जल्दी भी काबा? यह माइक्रो कैमरा और मेरे वह आतंक के सारा फिल्म कैद हो चुकल बा मीडिया के पास। अगर हमारे शरीर में तनिको खरोच तक भी आई ना तो 24 घंटा के अंदर यह फिल्म पूरा मीडिया में पूरा टीवी पर रिलीज हो जाए। और ओकरा बाद रौरा काका दुनिया के कौनो काका भी ना बचा पाई इला, और एकरा के जंतर बना के अपना गला में पहन लिया ताकि हमारा डरावना सपना तोहरा के ना सतावे। जान अपना भैया के इश्क के कलमा पढ़ा दा, हेवान इंसान बन जा, ऐसन मोहब्बत सिखा दा। जय श्री राम। लास्ट सर हम सब बेच देने का है? अरे तन को लास्ट सर हम नहीं खे, यही कार्ड हम जमीन में
खानदान के संभाला भाईजान। कान के बाली से वो अपना आशिकी के कवाली गा के चल गई। सच में कान के बालिया कौनो कैमरा ना हो। होई है वही जे राम रची राखा। स्वामी जी ये ठीक बात ना है, बहुत अफसोसनाक बात है। वो कलजुगी राम जानकी के ले जाकर रावण के हवाले कर देलस, और ससुरा हमनी के तरक्की के सारा दरवाजा बंद कर देलस। जय श्री राम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहले बाड़न तिवारी, इंसान के कामयाबी के अगर एक दरवाजा बंद होला तो 100 दरवाजा अपने आप खुल जाला। ई कलयुगी राम में हम सत्युग के राम के झलक दिखले बानी। हाँ स्वामी जी, उ झलक के झटका तनिका से हमारा के भी लागल बा, लेकिन स्वामी जी अब हाई वोल्टेज झटका देबे के पड़ी। रावण के प्रति राम के दिल में क्रोध के आग ठंडी ना पड़े के चाही। हाँ जय श्री राम।
गोते गोते तो मरिया बथिए धनिया किते लबा मल गोते गोते तो मरिया बथिए धनिया सॉरी भाईजान, वो राम सपना में आ गई रहलन, उहे बदमाशी कैलन तो हमू थोड़ा शरारत कर देनी और तकिया आपके लाग गेल। वो का है ना, आप राम से मिले पर तो रोक लगा देनी, लेकिन उनकर सपना पर कैसे रोक लगाए? आप समझतानी कि राम हमसे दूर बाड़न, लेकिन ना, सच बात तो ई बा कि राम हमार धड़कन बाड़े, राम हमार आखिरी सांस बाड़े। ठीक, जब राम तोहार जान बन गल बाड़े तो तोहार जान बख्श के हमों के भाई के फर्ज अदा करे की पड़ी। राम के बुलाओ, हम ओकरा साथे तोहार निकाह तय कर देब। थैंक यू भाईजान। तुम जो बुलाए और हम चले आए, जाने हथेली पर लाए। वालेकुम सलाम आ नमस्ते। अगर देश प्रेमी से इरादा बदल के देश प्रेमी के हो गए लोके तब तो ठीक बा, नहीं तो हम कुछ नहीं समझते। हम अपना बहन के बिया तोरा से करे खातिर तैयार बानी, बस सवाल तीन शर्त के बा। पहला शर्त, तोरा के अपन नाम बदल के राम से रहीम करे के पड़ी। रहीम के इबादत करे वाली माई ही हमार नाम राम रख ले बड़ी। दुनिया बदल जाए लेकिन ई नाम ना बदली। तोरा जिस्म में हिंदू खून दौड़ता, तोरा के मुसलमान बने के पड़ी। मुसलमान के पहचान तो बताई, खतना, तोरा के खतना करावे के पड़ी। तोरा बहन से प्यार का कलेनी पागल बुझे तरह काम रगे। आ? बोल, खतना करेबे कि ना? अगर खतना करावला से हिंदू मुसलमान बन जाए ना, तब बाबर अपना शासन काल में सारा हिंदू के खतना करा के मुसलमान का है ना बना देहलस। एक बार ना, हम 100 बार खतना कराओ खती तैयार बानी, लेकिन हमारा स्वर्गीय बाबूजी का मुसलमान कैसे बने बने ताजी? इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, और इस बात का मुझे घमंड है कि हिंदुस्तान मेरा देश है। नेताजी, हमार मोहब्बत ना कौनो शर्त का मोहताज बा और ना ही मजहब के। अगर जान के किस्मत में हमरे माई के पतोह बने के लिखल हुई ना, तो दुनिया के कौनो ताकत ना रोकी। और जान, अगुआ बड़ा लतखोर बा, हमनी के शादी कैंसिल। No problem. Try again later. Bye. एक मिनट। एक बात तू समझ ले, इससे बेहतरीन मौका तोरा के दोबारा ना मिली। नेताजी, मौका के तलाश गीदड़ करेला, शेर के फैसला ऑन द स्पॉट होला। हैंग टिल द डेथ। जय श्री राम। तुम जो बुलाए और हम चले आए। जय श्री राम। बहुत दुख होता तोहरे बिरादरी के लोग तोहके विधवा बना देलस और तू कुछ न कर पैलो, लेकिन तोहार बेटा राम जरूर हिसाब बराबर करी। हमार गुना भाग बहुत टेढ़ होला स्वामी जी,
स्वार्थी लोग कंफ्यूज होके आत्महत्या कर लेला। बस यहाँ आवे के वजह बताई। राम राम कसम, तोहरे हाथ से जान के मांग टिकवा के तोहरा घर के शोभा बना दे। कानून तोहार कुछ न बिगाड़ पाए और ना ही वो मंत्री तोहरा कुछ उखाड़ पाए। राम 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 राम, क्षमा क्षमा। एक महिला के सामने कुछ शब्द बोल दिली, इसे क्षमा। हो गई प्रवचन, अब जाए यहां से। राम ये का हो रहा बा, ये देश के लोग के चैन से ना रह दे बलो। ईश्वर अल्लाह के टुकड़ा टुकड़ा करके इंसान के खून से कब तक लेपन पाप धो बलो। स्वामी जी हमार माथा हैंग हो रहा बा, फटाफट यहां से चल जाई ना तो हैंग ओवर हो गई ना, तरह और जिंदगी गोबर हो जाई और दुनिया रेवा के गोल लागल छोड़ दी। मैं मेराम, तुम मेराम, हम सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या किसका काम। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी आप हमें सलाम करने के काबिल नहीं हुए बशीर मियां। पिटा मार दे मुझे। हम यहाँ एक एक हिंदुस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। हमने जितना रुपया आपको मंत्री बनाने में गंवाया है, अगर उतना रुपये गोले बारूद में खर्च किए होते तो हिंदुस्तान के नक्शे से का नामो निशान मिट चुका होता। आपका बहुत एहसान है हम पर। तभी तो हम आपको एहसान फरामोश नहीं बनने देना चाहते। हमें इंडियन न्यूज बहुत पसंद है। आपकी बहन की चूड़िया आपकी कमजोरी बन गई है और अब वो चूड़िया मेरे बिस्तर पे खनकेगी। तभी तो दहेज में पूरा हिंदुस्तान चाहिए। ठीक, अगर आपकी यही ख्वाहिश है इंशाअल्लाह हम जरूर पूरा करेंगे। आप हिंदुस्तान तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। मिर्जा मार दे मुझे। मिर्जा मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मिर्जा बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार और बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Na 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 na
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें नाजुक समझने की गलती मत करना। मेहमान नवाजी हमारे देश की शान है, इसलिए सर झुका लिया हमने, वरना हम तो तेरा सर कलम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मोहतरमा, मुझे जो मारने की चाहत रखता है उसका जनाजा कभी कब्र तक नहीं पहुंचता। झांसी, ये पाकिस्तान की बहुत नामचीन हस्ती अयाज मिर्जा साहब पढ़ा है, और हम इन्हीं से तुहार निकाह तय कर दिलबानी। ये तुहार होखे वाला शौहर बड़ा है। शौहर? हाँ। ये किसी का शौहर कैसे हो सकता है? ये तो सुअर से भी बदतर है, और इसके गंदगी के छींटे आप पर भी पड़ चुके हैं भाईजान। झांसी, उसी छींटे को साफ करने के लिए हमने आपको अपनी बेगम बनाने की चाहत रखी है। तो जिंदा ही कहा है जो तेरी चाहत पूरी होगी? तू एक शैतानी रूह है जो मासूमों का खून पीकर हमारी कौम को दहशतगर्द साबित करना चाहता है। तू मर चुका है, देश के हर सैनिक की गोली पर तेरा नाम लिखा है, और हर इंसान के बद्दुआ में सबसे ऊपर तेरा नाम है। परवाह नहीं मुझे, बहुत लापरवाह हूं मैं, बस तेरी दुआ ही काफी है मेरी जिंदगी की सलामती के लिए। मोहब्बत? मैं तो किसी और की मोहब्बत हूं। अच्छे से पहचान ले मुझे, मैं राम की जान की हूं, और अगर गलती से भी तूने रावण बनने की कोशिश की तो तेरे नस्ल की पहचान खत्म हो जाएगी। जिस राम की तुम पूजा करने लगी हो, बस बस एक बार उससे मेरी मुलाकात करवा दो। कसम खुदा की, आपका दिल मेरे नाम का नमाज अदा करने लगेगा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरा करूंगी। राम। मोहतरमा, हमने तो सोचा था कि आपका राम वानरी सेना के साथ तीर धनुष लिए रथ पे सवार होकर आएगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। उछलते कूदते आ गया। ये देखिए, गौर से देखिए, मेरे डर से इसको पेशाब आ गया। वो क्या है ना, जब मेरे राम को किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो इसी तरह मूंद देता है। बंदे की धार काफी तेज है। अब सोच ले बेटा, एक हिंदुस्तानी के धार इतना तेज बा तो अगर पूरा हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पर खड़ा होके मूंद दे तो तोरा पाकिस्तान के सिंधु नदी के जरूरत ना पड़ी। यही पानी से भात सींझी। और मेरा राम जानता है कि तेरे मरने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। बेगम, आपकी सोच गलत है, मैं अभी साबित कर देता हूं। ओए! तू बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया ताकि तुम्हारी औकात बता सकूं।
अगर तू अभी भी रब की राह पर चलेगा तो शायद तेरी मंजिल जन्नत हो सकती है। बेगम, हमारी मंजिल सिर्फ आप है, और इस मंजिल पर जिस मुसाफिर का नजर पड़ेगा उसकी नजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अच्छा है, खिलौना अच्छा है, खेल ले बेटा। जब बेटा खिलौने से खेलता है ना, तो मां कसम बाप को बहुत अच्छा लगता है। आज से तुझे बुरा लगेगा, क्योंकि तेरी जान से निकाह अब अपने मुल्क में करूंगा, और तेरी बाप बनने की ख्वाहिश शर्म से खामोश हो जाएगी। तेरी बेशर्मी में हिम्मत नहीं कि तू हिंदुस्तान को शर्मसार कर सके। अगर तू मौत के डर से भागना चाहता है तो भाग कर देख ले, तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मैं आऊंगा और अपने जान से ब्याह रचाऊंगा, और तुम्हारे पाकिस्तान में हनीमून मनाऊंगा, ताकि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाए। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जानता है क्यों? क्योंकि तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी, और वो खौफनाक मंजर निकाह से पहले हमारी बेगम जरूर देखेंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करना, तेरे रूह को कफन की तमन्ना हो सकती है, लेकिन हम कफन से मुंह पोछा करते हैं। ऐसे जय श्री राम। हमने कहा था ना, वो राम है। अगर तू अपने लंका को राख होते हुए नहीं देखना चाहता तो दुम दबाकर भाग जा। ले चलो चलो चलो। इस नाचीज का छोटा सा आशियाना है ये, हर मुल्क की होर यहां आकर अपने हुस्न की नुमाइश करती, लेकिन अब इस आशियाने में सिर्फ और सिर्फ आपके हुस्न का नुमाइश होगा। मुझे ये आशियाना कम, तेरी कब्र ज्यादा नजर आ रही है। आपको कब्र देखने की आरजू है ना, तो बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान को अपने मुल्क का कब्रिस्तान बना दूंगा, फिर आपको यहां जन्नत का एहसास होगा, और इस जन्नत में राम की परछाई भी नहीं पड़ सकती। परछाई तो इंसान की होती है, तूफान की नहीं। वो आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा, और तू अपने आप को जहन्नुम में पाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। फिलहाल हमारी निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई है, आप हमारे बेगम बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए, और हाँ, अपने सेहत का भी ख्याल रखिए। Don't!
भगवान के बिना। रहमान के बिना जी भगवान के बिना, श्री राम कसम राम न जी जान के बिना। श्री राम कसम राम न जी जान के बिना। दवाई जखम दे बेलोग हो नेह के न फूल सूखी नफरत के धूप से रंग चढ़ल प्रीत के बा मितवा के रूप से। रात चांद के बिना तन परान के बिना। रात चांद के बिना तन परान के बिना। श्री राम कसम राम न जी जान के बिना। श्री राम कसम राम न जी जान के बिना। हम सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा। राम बिना क्या उसका काम। देखिए वैसे तो हमारी बातें लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो यही है कि दोष तो हमारी जनता का ही है। राम झूठ न बुलवाए तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही अपनी बहन का खुद ब खुद अगवा करवा लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बशीर अहमद की बहन जानसी किडनैप हो चुकी है, तो आइए जानते हैं बशीर अहमद जी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर झूठ, गलत इल्जाम है। स्वामी और नारायण जैसे धूर्त लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राम नाम के एक लड़के के द्वारा मेरी बहन को अगवा करवाया गया है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं और ना कभी झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो देखा आपने कि मंत्री जी ने क्या कहा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ अयोध्या से।
काजी साहब, हमें तो अभी ठीक से गुस्सा भी नहीं आया कि आपकी आरडीएक्स आंसू गैस बन गई। मेरे आंसुओं को कमजोर मत समझना, ये उस सैलाब का संकेत दे रहा है जो तेरे आतंकी सल्तनत का नामो निशान मिटा देगा। निशान तो अब उसका मिटेगा जिसकी हयात के लिए आप हर वक्त मेरे मरने की दुआ करती हैं, पर बाखुदा अब ऐसा नहीं होगा। आपके आंसुओं के सैलाब को मोड़ दूंगा, हिंदुस्तान की हर गली में खून की सुनामी बहेगी और आपके दिल से जुड़े हिंदुस्तान की उन तमाम यादों को मिटा दूंगा जो हमारे और आपके बीच दूरियां बनाने में जिम्मेदार है। काजी साहब, इनको यहां से ले जाइए वरना हम गुस्से में कुछ गलत न कर जाए। ले जाइए इनको। फरमाइए जनाब। दुल्हन तो मिल गई लेकिन अभी तक दिल नहीं मिला, मुझे अब दहेज चाहिए। बेफिक्र हैं जनाब, आपकी डिमांड पूरा करने का इंतजाम मैंने कर दिया है। झांसी की किडनैपिंग का इल्जाम मैंने राम के सर मढ़ दिया है। मुझे अब आजाद कश्मीर नहीं, दहेज में पूरा हिंदुस्तान चाहिए। भाई शकीला कहाँ भी है? ओ आपा, पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ावे गई बनी। हेलो महावीर, कहाँ बड़े तू? पीर बाबा के मजार का कंडीशन बा? सर हम गोल बाजार में बनी। तू गोल बाजार में का करता रे? जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच। जी। शकीला पीर बाबा के मजार गई भी आ। भाभी जान, भाभी जान, राम, भाभी जान, ये सब कतले हम आतंकवादी आयास मिर्जा करेले बा और हमार शवर भी शामिल बाड़े, उन लोगन की मत छोड़िया राम, मत छोड़े। भाभी जान, भाभी जान। याजी मिर्जा तहार झांसी के साथ निकाह कई के उकरा के पाकिस्तान ले जाके चाहता। तोरा हिंदुस्तान के कसम बराम, वो पाकिस्तानी के गलत मंसूबा से अपन हिंदुस्तान के इज्जत और झांसी के बचाला राम। हाँ राम जा, ये कत्ले अब तोहरे के रोके के बड़ी राम, जा राम जा। You are under arrest, Ram. जय श्री राम। स्वामी जी, अभी का करी? करी का रावण के बद भगवान श्री राम के ले रह ले। लेकिन कलियुग के राम के बद निश्चित तौर पे इंशाल्लाह। अच्छा कहले स्वामी, अपना कलयुग के राम से अंतिम मुलाकात करे आगे ले सन। मालूम है मंत्री, तू एक कर श्राद्ध के भोज खाए खातिर कुछ ज्यादा ही व्याकुल पड़े। ठीक, ये हमारे बीबी का कातिल है और एक अंजाम हम तय करब। चिंता ते अपना अंजाम के कर मंत्री, देश के इज्जत दुश्मन के पैर में डाल के ते अपना औकात दिखा दे ले बड़े। ले जाग गए एक सच्चा हिंदुस्तानी। जय श्री राम। अब देख कर जवाब। जवाब ही का दी स्वामी, जवाब तब तानी दोनों के देवे के परी पूरा हिंदुस्तान के। अब
अपने खून के धब्बे ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे? मासूम लोगों के लाश पर चढ़ के कौन सा जन्नत पाओगे? अरहल बात तो पाकिस्तानी के तैराम के बाद आबा एराम के धरती से उरावन अपना लंका में वापस ना जाए। मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है अल्लाह तेरे दर पे। पास दिखाओ अंदर जो पास दिखाओ चल हट आ जा चलो जा।
सुभान अल्लाह, आपको शादी के जोड़ी में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पर उतर आया हो। ते पैदाइशी कंफ्यूज बाड़े। अबे ये शादी का जोड़ा तुझसे निकाह करने के लिए नहीं, राम से शादी करने के लिए पहनी हूँ। काजी साहब, अगर आपको मंत्र आता है तो पढ़िए, मेरा राम आएगा। मोहतरमा, उसका नाम राम है, रब नहीं जो आपकी फरियाद सुन के यहाँ चला आएगा। जनाब अयाज मिर्जा, वल्द अशफाक मिर्जा साहब के साथ महरे मुअफ्जल 1,00,000 रुपए सिक्का ए राजुल वक्त आपका निकाह तय किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? राम, क्या आपको कबूल है? राम, 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 क्या आपको कबूल है? राम, 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 राम। अब तो तू गया बेटा। मैंने कहा था ना कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा वहीं आऊंगा और अपनी जान से ब्याह रचाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ कि तू हिंदुस्तान में मिल गया, अगर गलती से पाकिस्तान में मिलता ना तो तुम्हारे सामने अपनी जान के साथ सुहागरत मनाता और तुम्हारे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी बच्चे खेलते। पाकिस्तान, हथियार डाल दे वरना हम दोनों मुसाफिरों के मंजिल का दरवाजा बंद हो जाएगा। औरत को मोहरा बनाकर साबित कर दिया कि तू ना मर्द की ही औलाद है। बहुत बोलता है तू, ओए इसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दो। Oh.
बोला था कि तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी, तेरी हड्डियों का सूरमा बनाकर अपनी बेगम की आंखों में लगाना चाहता हूं। ओए! तोड़ो इसको, तोड़ो! बेगम को संभाल। क्या बक रहा था तू? तू मुझे मारेगा? ए ले, मारना, उठा मारना, ओए मारना, मारना, मारना। राम, राम। बेगम, आपका राम तो बहुत जल्द जहन्नुम का सैर करने चला गया। राम। अब मैं आपका राम। याद रख, अगर खुदा का घर नहीं बना, तुझे पाकिस्तान ले जाऊंगा और वहां मेरी रात को रंगीन करने वाली हुस्न की मलिकाओं की आप खातिरदारी करेंगी। सच में तेरी कोई जात नहीं है, गंदी नाली का पैदावार है तू। ये तेरा घटिया मंसूबा तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज दशहरा है। आज के दिन ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तब से पूरे हिंदुस्तान में रावण का पुतला जलाया जाता है और आज तेरा भी वध होगा, तू भी जलेगा। और राम जान के मोहब्बत का एक नया इतिहास बनेगा। आपका इतिहास लाश बन करके मेरे कदमों के नीचे पड़ा है, मेरा भूगोल कौन बदलेगा? मेरा राम बदलेगा। बेगम, मुर्दे उठते नहीं, उठाए जाते हैं कब्र में दफनाने के लिए। मैं इसे उठाऊंगी और ये जरूर उठेगा, लेकिन तुझे कब्र नसीब नहीं होगी। बेगम, एक बात कहूं? अच्छा मजाक कर लेती हैं। राम, राम, राम उठो, उठो राम, राम, राम उठो, राम उठो। अगर तुम में मेरी मोहब्बत का जुनून है, अगर तुम्हारी रगों में हिंदुस्तान का खून है, तो उठो, वरना आज फिर धरती फटेगी और तुम्हारी जान से हिंदुस्तान की शान बचाने के लिए इस धरती में समा जाएगी। उठो राम, राम उठो, राम, तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है राम, उठो। या अल्लाह, Allahu Akbar.
मैंने कहा था ना, मेरा राम आएगा और जहां जाएगा सिर्फ मुझे पाएगा। और आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि हिंदुस्तान क्या इस धरती पे दोबारा नहीं आएगा। चार भगवान न बर्दाश्त कर पाई तो राम हिंदुस्तानी कैसे बर्दाश्त कर पाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। से प्यारा वतन हमारा फहरे जहाँ तिरंगा ले अमृत रस धारे है बहती जहाँ पे यमुना गंगा। नफरत की कोई चिनगारी ना दिल में कभी भरो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।